स्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए 4 दिवसीय कार्यशाला का जिला पंचायत सभागार में शुभारंभ किया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष रचना बुटोला ने बताया कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पौड़ी में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्मिकों के लिए 9 बिंदुओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने बताया कि ग्राम पंचायतों के विकास को लेकर स्वास्थ्य गाँव, जल पर्याप्त गाँव, आत्मनिर्भर गाँव आदि बनाने के लिए सभी को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ग्राम पंचायतों का विकास हो सके। वहीं अपर मुख्य अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायतों में विकास करने को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण इलाके में पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य आदि को लेकर सभी सुविधाएं मुहैया हो सके और पहाड़ी क्षेत्र में हो रहे पलायन पर अंकुश लग सके। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। आज जिला पंचायत सभागार में सभी सदस्यों और रेखीय अधिकारियों का प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया और उसमें विशेष विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण विषय पर ध्यान दिया गया। इस 4 दिवसीय शिविर में स्वस्थ गांव, जल पर्याप्त गांव और स्वच्छता अभियान, महिला हितेशी गांव, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई और इसमें सभी जिला पंचायत सदस्य तथा अधिकारी मौजूद रहे। सतत विकास के लक्ष्य हैं, उनका स्थानीयकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है क्योंकि विकास के लक्ष्यों को हम तभी पा सकेंगे जब तक उसमें गांवों का सहभागिता ना हो। और गांव जो है, पंचायती राज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहां पर गाँव में, तो गाँव के थ्रू जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको कैसे पाया जाए, तो सतत विकास के लक्ष्यों को 9 थीमों में बांट दिया गया है। तो 9 थीमों में वो 9 थीमें क्या हैं, कैसे पंचायतों को उसमें सहभागिता करनी है, कैसे पंचायत के थ्रू वो गोल हम अचीव कर सकते हैं, उस पर प्रशिक्षण 4 दिवसीय जिला पंचायत में आज प्रारंभ हुआ।